दी, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। सभी को नमस्ते। गीता प्रवचन के कार्यक्रम में आज सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, पिछले 12 दिन से हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं। आज गीता का ये हमारा 13वां दिन है और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है और मुझे आशा है कि ये श्लोक आप सबको अच्छी तरह से याद होगा, इसलिए आज हम इस एक प्रसिद्ध श्लोक के ऊपर श्रीमद् भगवद गीता के ये जो दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तु कर्मणि, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और ये लगभग सबको स्मरण है, सबको याद है। लेकिन इस श्लोक की जो शिक्षा है वो हम भारतीय भूलते जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको कर्म करने का उपदेश दिया है। मैंने आपसे कल निवेदन किया था कि गीता हमें पुरुषार्थ करना सिखाती है, गीता हमें मेहनत करना सिखाती है, गीता हमें संघर्ष करना सिखाती है, गीता हमें अन्याय का विरोध करना सिखाती है। तो आज का जो श्लोक है साथियों, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। मैं फेसबुक पर आप सभी जुड़ रहे हैं, आदरणीय शिक्षक लखनलाल जी आर्य जो उत्तर प्रदेश से हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। बहुत ही कर्मठ हमारे आर्य युवा हैं और सामाजिक कुरीतियों के विरोध में, खास करके मृत्यु भोज के विरोध में आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे आदरणीय भाई श्री देवल मुनि जी जो मसूदा से हैं, बहुत ही अच्छे योग्य एक योग शिक्षक हैं, पिछले कई वर्षों से योग की सेवा दे रहे हैं। भाई भेरूलाल जी गुजर जो हमारे ग्रामीण के हैं, हमारे ग्राम के हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आदरणीय भाई सीताराम जी और अनेक अनेक आप सभी भाई जो प्रतिदिन समय पर इस फेसबुक पर आप सब जुड़ करके इस कार्यक्रम को आप सफल बनाते हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय श्री महादेव जी जो न्यारा से हैं, बहुत अच्छे संघर्षशील युवा हैं और ये भी हमारे पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम से लगातार लाइव रहते हैं, तो आप सभी युवाओं का, आप सभी साथियों का अभिनंदन करता हुआ आइए आज की इस चर्चा को मैं प्रारंभ करता हूँ। भगवान कृष्ण ने हमें बहुत ही सुंदर उपदेश दिया, कर्मणि एव अधिकारते मा फलेषु कदाचन, कि हे अर्जुन, कर्मणि एव अधिकार है, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, फल की प्राप्ति की तू इच्छा मत कर। कई लोग यह शंका करते हैं कि जी जब हम कर्म करेंगे तो फल की इच्छा क्यों नहीं करेंगे। तो जब हम कर्म प्रारंभ करते हैं और जब हमारी फल की इच्छा हो जाती है और यदि जब हमको अनुकूल फल नहीं मिलता, हमारी इच्छा के अनुकूल जो फल हमें नहीं मिलता है, उस समय फिर हमें दुख होता है, चिंता होती है, तनाव होता है। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया कि हमारा जो अधिकार है, हम अपने अधिकार की बात करते हैं, भगवान कृष्ण ने हमें अधिकार की बात की है कि हमारा अधिकार क्या है। कहा आपका अधिकार है कर्म करने का, बस इतना आपका अधिकार है। अब फल क्या मिलेगा, क्या होगा, उस फल को प्राप्त तो आप, फल तो मिलेगा आपको, लेकिन फल की इच्छा आप मत कीजिए, वो अधिकार आपका नहीं है। इसको इस बात को एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। एक विद्यार्थी जब परीक्षा देने के लिए बैठता है तो उसको परीक्षक यानी जो अध्यापक होते हैं, वो उसको कॉपी देते हैं कि भाई ये कॉपी है और ये प्रश्न पत्र है और आपको हम 3 घंटे का समय दे रहे हैं, आप 3 घंटे तक आराम से इस प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न है आप इनको हल कीजिए, इस कॉपी में आपको आराम से लिखना है। अब वो 3 घंटे का जो समय उस विद्यार्थी को दिया गया है, ये उसका अधिकार है। और उस विद्यार्थी ने 3 घंटे में उस प्रश्नों को हल करना शुरू किया, वो जो चाहे उसमें लिख सकता है, उसको फिर अध्यापक रोकता टोकता नहीं है, केवल देखता है कि लिख रहा है, लेकिन रोकने टोकने का काम उस अध्यापक का नहीं है।
वो केवल विद्यार्थी को कॉपी दे देता है, प्रश्न पत्र दे देता है और कहता है आपको 3 घंटे का समय, आराम से आप लिखिए। वो विद्यार्थी चाहे उसमें उन प्रश्नों का हल अच्छी प्रकार से लिख सकता है, चाहे तो उसमें फिल्मी गाने लिख सकता है, चाहे तो कहानी लिख सकता है, चाहे तो वो कॉपी को खाली भी छोड़ सकता है, ये उसका अधिकार है। लेकिन उस कॉपी को चेक करने का अधिकार उस विद्यार्थी का नहीं है, उसका अधिकार केवल कॉपी में लिखने का है, इतना काम उसका है, ये अधिकार था उसका, उसने अपने अधिकार का प्रयोग कर लिया। लेकिन उसमें जो नंबर आएंगे, कितने नंबर आएंगे, ये नंबर देने का अधिकार उस विद्यार्थी का नहीं होता। ये नंबर देने का जो अधिकार है वो परीक्षक का होता है, कॉपी चेक करने वाले अध्यापक का होता है। ऐसे ही जब हम कर्म करते हैं, उन कर्मों को करने का अधिकार हमको है, लेकिन जो फल है वो फल देने का अधिकार हमारा लेने का अधिकार नहीं है, हम स्वयं फल नहीं ले सकते। फल देने का जो अधिकार है वो परमात्मा का है, वो ईश्वर का है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें अध्यापक दे देते हैं, हमने अच्छी पढ़ाई की, अध्यापक ने अच्छे नंबर दे दिए। एक व्यक्ति ने चोरी करी, जज ने उसको 2 महीने की सजा दे दी, उसको फल दे दिया बुरे काम का। एक बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, माता पिता ने उसको इनाम दे दिया। तो कुछ कर्म तो ऐसे हैं जिनको जिनका फल हमें माता पिता, न्यायाधीश, अध्यापक, हमारे बड़े हमें दे देते हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें परमात्मा देता है। तो भगवान कृष्ण हमें समझाते हैं कि देखो कर्मणि एव अधिकार है, तुम्हारा जो अधिकार है वो कर्म करने का है, कर्म करो, पुरुषार्थी बनो, मेहनती बनो। लेकिन हमारे यहाँ पर हम लोगों ने कर्म करना छोड़ दिया, हम लोगों ने पुरुषार्थ करना छोड़ दिया। और आजकल के जो युवा हैं, उनके अंदर एक विचारधारा बैठ गई है कि हमें नौकरी ऐसी मिल जाए, माता पिता भी ये चाहते हैं, वो स्वयं भी ये चाहते हैं कि हमें नौकरी ऐसी मिले कि हमें काम कम करना पड़े और हमें तनख्वाह ज्यादा मिले। ये हमारी मानसिकता हो गई आजकल कि हमें काम कम करना पड़े या काम करना ही न पड़े और बैठे बैठे आराम से हम जो खूब मोटी मोटी तनख्वाह हम ले सके। हमें कर्म करने में, हमें काम करने में संकोच होने लग गया, हमें काम करने में हमारा आलस्य आने लगा, इसलिए सज्जनों हमारा देश बहुत पीछे हो गया। हमारा वेद हमें कहता है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 2वां मंत्र, कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषे शतम् समा, 100 वर्षों तक कर्म करो 100 साल तक। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, जब तक हमारे शरीर में ऊर्जा है, शक्ति है, सामर्थ्य है, तब तक मनुष्य को कर्मशील होना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। वेद कहता है अकर्मा दस्यु, जो व्यक्ति कर्म नहीं करता है, जो काम नहीं करता है, वो दस्यु होता है, वो डाकू होता है। ये वेद का आदेश है। तो हमारे शास्त्र हमें कर्म करने की शिक्षा देते हैं, हमारे शास्त्र हमें पुरुषार्थी बनने की शिक्षा देते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि विदेशी लोग संपन्न क्यों हो गए और हम लोग पीछे क्यों रह गए, केवल यही एक कारण था कि हमारे शास्त्रों में जो बातें थी वो तो उन विदेशियों ने मान ली और हम केवल शास्त्रों को हमने लाल कपड़े में लपेट करके और ऊपर रख दिया और अगरबत्ती जलाना, उसको हाथ जोड़ना, यही हमने समझ लिया कि शायद यही शास्त्रों की पूजा है। अरे भाई, शास्त्रों की पूजा तभी होगी जब हम शास्त्रों में लिखी हुई बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। और हमारे देश में देखिए आप, इस कैसे कैसे कवि हमारे देश में हुए जिन्होंने भक्ति मार्ग के नाम पर हमारे देश के लोगों को आलसी बना दिया, भक्ति के नाम पर हमारे देश के लोगों को निकम्मा बना दिया, भक्ति के नाम पर हमारे देश के लोगों को उन्होंने आलस्य और प्रमाद की शिक्षा दी। एक कवि ने लिखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। वो कहता है कि अजगर करे न चाकरी, बोले अजगर कौन सी नौकरी करने जाता है, तो उसका भी भगवान पेट भर देता है। पक्षी कौन सी नौकरी करने जाते हैं, वो कौन सी मेहनत करते हैं, उनका भी भगवान पेट भरता है। और दास मलूका, मलुक दास ने कहा सबके दाता राम, बोले कुछ मत करो, भगवान भरोसे बैठे रहो, तुम्हें सब कुछ भगवान तुम्हारी पूर्ति कर देगा, क्यों चिंता करते हो। सबके दाता राम है, राम देने वाला, भगवान देने वाला है। पशु पक्षी कौन सी मेहनत करते हैं, कौन सा काम करते हैं, ऐसे ऐसे उपदेश हमको दे दिए गए और हमने समझ लिया शायद यही भक्ति होगी, कुछ न करना ही भक्ति होगी। यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से,
कह साधु कि साधु किसे कहते हैं, साधु कौन होता है? तो युधिष्ठिर ने बहुत सुंदर जवाब दिया, परहित रतय से साधु, जो दूसरों के भले में काम करता है, जो परोपकार करता है, जो सेवा करता है, जो दूसरों का कल्याण करता है, वही साधु होता है। अब हमारे देश में देख लीजिए आप क्या स्थितियां हैं। हमारे देश के अंदर लाखों लाखों साधु हैं, लाखों लाखों, एक दो नहीं, हजारों नहीं है, लाखों साधु हैं। एक एक संप्रदाय में लाखों साधु हैं, और वो क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते, वो आश्रमों में पड़े हैं, खूब खाते पीते और आराम से सोते हैं, और कहते हैं महाराज कुछ काम? बोले काम, हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। वो ये कहते हैं हमें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, बस हम तो भक्ति करते हैं। सज्जनों, ये भक्ति नहीं है। वो आलस्य और प्रमाद में पड़ करके अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। एक बार महर्षि दयानंद जी महाराज प्रवचन कर रहे थे, और प्रवचन जब वो कर रहे थे तो कुछ साधु वहां आ गए, तो महाराज ने कहा देखो ये साधु क्या करते हैं, ये केवल जंगल में रहते हैं और जब भूख लगती है तो गांव में आ जाते, नगर में आ जाते हैं और भिक्षा मांग करके अपना पेट भरते हैं और फिर वापस जंगल में चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर इन साधुओं में और जंगल में रहने वाले पशु में अंतर क्या है? एक पशु भी जंगल में रहता है और जब उसे भूख लगती है तो वो गांव में आ जाता है, खेत में आ जाता है और अपना पेट भर करके वापस जंगल में भाग जाता है। तो ऐसे साधुओं में और ऐसे पशुओं में कोई अंतर नहीं है, जो काम नहीं करते हैं, केवल पेट भरने के लिए इधर उधर भीख मांग करके अपना गुजारा करते हैं। साधु वो होता है जो सेवा करता है, साधु वो होता है जो समाज के अंदर फैले हुए अंधविश्वास को, पाखंड को दूर करता है, समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करता है, लोगों को अच्छी शिक्षा देता है, लोगों की सेवा करता है, उसे साधु कहते हैं। हमारे देश में मैंने आपसे कहा लाखों साधु हैं। यदि ये साधु, एक एक साधु एक एक गांव में जाकर के बैठ जाए और उन गांव में जाकर के वहां के युवाओं को चरित्र की शिक्षा दे, वहां के युवाओं को संस्कार की शिक्षा दे, लोगों को बुराइयां छुड़वाए, पर्यावरण का संदेश दे, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करे, तो इस देश का प्रत्येक गांव एक सभ्य और सुशिक्षित और संस्कारवान गांव बन सकता है। लेकिन इन साधुओं को इससे कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं हमें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, और वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, बस हम तो ब्रह्म में रहते हैं, ब्रह्म है हम तो। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि नहीं, ये साधुपना नहीं है। अरे साधु तो वो होता है जो सेवा करता है, परिश्रम करता है, अपने प्राणों का बलिदान देकर के भी वो लोगों का उपकार करता है, उसे साधु कहते हैं। तो हमारे शास्त्रों ने कहा अकर्मा दस्यु, जो व्यक्ति कर्म नहीं करता है, जो पुरुषार्थ नहीं करता है, जो मेहनत नहीं करता है, वो डाकू होता है। तो भगवान कृष्ण हमें संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं? कर्मणि एव अधिकारः। और कल भी मैंने आपसे कहा नियतम कुरु कर्मत्वम, कि कर्म करो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। जो समाज, जो देश परिश्रमी होता है, मेहनती होता है, वही आगे बढ़ता है। आप देख लीजिए जितने भी देश आज विकसित हैं, उन देशों के अंदर आपको चार विशेषताएं नजर आएंगी। ये चार विशेषताएं कौन कौन सी हैं? उस देश का प्रत्येक नागरिक ईमानदार होगा, अपने काम के प्रति ईमानदार होगा, अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदार होगा वो देश का नागरिक। दूसरी विशेषता, वो मेहनती होगा, परिश्रमी होगा। तीसरी विशेषता, वो देश से प्यार करने वाला होगा, देशभक्त होगा। और चौथी विशेषता, वो शिक्षित होगा। तो कोई भी देश तभी आगे बढ़ता है जब उस देश के नागरिकों में चार विशेषताएं आ जाए, वो परिश्रमी हो, ईमानदार हो, देशभक्त हो और साथ में जो है वो शिक्षित भी हो। ये चार विशेषताएं जिस देश के नागरिकों में आ जाती है, वही देश तरक्की करता है। चाहे हम कितना भी भगवान की भक्ति करें, चाहे हम कितने भी धर्म का काम करें, चाहे हमारे घर घर में मंदिर बन जाएं, लेकिन जब तक ये चार विशेषताएं हमारे जीवन में नहीं आएंगी, तब तक हम अपने देश का कभी विकास नहीं कर सकते। आज आप देख लीजिए हमारे देश की हालात कितनी खराब है, कि इस देश के अंदर जब कोई भी आंदोलन होते हैं, चाहे कोई जातिवादी आंदोलन हो, चाहे कोई धार्मिक आंदोलन हो, चाहे कोई राजनीतिक पार्टियां आंदोलन करे, कोई भी जब व्यक्ति आंदोलन इस देश में होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? इस देश की बसों में आग लगाई जाती है, इस देश की रेलवे को रोका जाता है, उसको बर्बाद किया जाता है,
सड़कों को जाम करके देश के नागरिकों को परेशान किया जाता है। क्या हमारे पूर्वज यही करते थे? क्या हमारे पूर्वजों ने इसीलिए इस देश को आजाद करवाया था? आप देखिए, आजादी के आंदोलन में स्वयं उन्होंने लाठियां खाई, स्वयं उन्होंने भूख हड़ताल करी, स्वयं उन्होंने उपवास किए, लेकिन देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये हम कैसे देशभक्त हैं जो अपने ही देश की संपत्ति को बर्बाद करके हम कोई आंदोलन को सफल करना चाहते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने नागरिकों के प्रति हमें प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा, कर्मणि एव अधिकारः। देश का प्रत्येक नागरिक कर्म करे, परिश्रम करे और हम देशभक्त बने। जापान एक छोटा सा देश है, जर्मन एक छोटा सा देश है, इजराइल एक छोटा सा देश है, और क्या कारण है कि आज वो देश पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं, आज वो देश पूरी दुनिया को विज्ञान बेच रहे हैं, ज्ञान बेच रहे हैं। क्या कारण है? यही कारण है कि वहां के देश के नागरिकों में अपने देश के प्रति प्यार है, प्रेम है, परिश्रम करते हैं अपने देश के लिए, अपने देश के लिए वो ईमानदारी से काम करते हैं। जब ये गुण नहीं होंगे तो कोई भी देश तरक्की नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी देश हो। स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। जापान में जब वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, उन्होंने दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा उन्होंने? कि दो छोटे छोटे बच्चे, एक लड़का एक लड़की, सामने ट्रेन की सीट पर बैठे हुए हैं, और उन्होंने अपने बैग में से, वो स्कूल जा रहे थे, अपने बैग में से उन्होंने सुई धागा निकाला, और सुई धागा निकाल करके उन्होंने सीट को, जो ट्रेन की सीट फटी हुई थी, उसको सिलना शुरू किया। तो स्वामी रामतीर्थ ने पूछा कि बच्चों, आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन बच्चों ने कहा कि सर, हम रोज इसी ट्रेन से स्कूल जाते हैं और हमें सरकार ने सुविधा दी है, हमें सरकार हमसे कोई पैसा नहीं लेती है, हमें ये फ्री में सुविधा मिली है कि हम ट्रेन में बैठ करके और हम अपने स्कूल जाते हैं, शाम को वापस हम इसी ट्रेन से वापस घर आते हैं। तो कल हमने देखा कि इस ट्रेन की सीट फटी हुई थी, तो आज हम अपने घर से सुई धागा लेकर के आए हैं और इस फटी हुई सीट को हम सिल रहे हैं। स्वामी रामतीर्थ ने उन दोनों बच्चों को प्रणाम किया कि धन्य है आपके माता पिता, धन्य है आपके गुरुजन जिन्होंने आपको ऐसी शिक्षा दी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये दृश्य भारत में संभव है? आप देखेंगे, यदि बस में सीट थोड़ी सी भी फटी हुई हो तो हम जब तक उसमें उंगली घुसा घुसा करके उसको पूरा फाड़ नहीं देते हैं, तब तक हमें चैन नहीं पड़ता। जब तक देश के नागरिकों में देश के प्रति भक्ति भाव नहीं होगा, और देशभक्ति का मतलब हम क्या समझते हैं? केवल भारत माता की जय बोलना ये देशभक्ति है? केवल वंदे मातरम बोलना ये देशभक्ति है? नहीं, ये देशभक्ति नहीं है। यदि हम महाराणा प्रताप के समय पैदा होते तो उस समय देशभक्ति होती कि महाराणा प्रताप की सेना में हम भर्ती होकर के इस देश की आजादी के लिए हम तलवार और भाले चला रहे होते, ये उस समय देशभक्ति थी। यदि हम आजादी के समय में होते तो सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना में भर्ती होकर के हम युद्ध करते अंग्रेजों के खिलाफ में, उस समय ये देशभक्ति थी। लेकिन आज देशभक्ति का मतलब तलवार चलाना नहीं है, देशभक्ति का मतलब बंदूक चलाना नहीं है, देशभक्ति का मतलब केवल नारेबाजी करना नहीं है, देशभक्ति का मतलब है अपने कर्तव्य का पूरी ईमानदारी से पालन करना, परिश्रम करके अपने देश को आगे बढ़ाना, ये देशभक्ति का मतलब है आज के समय में। तो हमारे शास्त्र हमें परिश्रमी करना सिखाते हैं, हमें परिश्रमी बनना सिखाते हैं, हमें मेहनती बनना सिखाते हैं। तो ये हमारा संदेश है गीता का। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो। हम लोगों ने कृष्ण का नाम तो लिया, लेकिन हमने परिश्रम करना छोड़ दिया, हमने मेहनत करना छोड़ दिया, हमने काम करना छोड़ दिया, और हम लोग आलसी बन गए, हम लोग बेरोजगार हो गए, और हमने अपने देश को बहुत पीछे हम लेकर के चले गए इसी आलस्य और प्रमाद के कारण से। महाभारत में बहुत सुंदर एक दृष्टांत आता है समझाने के लिए कि मनुष्य को परिश्रमी होना चाहिए। एक कश्यप नाम का एक ब्राह्मण युवक एक बार एक सेठ के रथ पर बैठ करके जा रहा था, तो किसी बात को लेकर के सेठ को गुस्सा आया और सेठ ने उस ब्राह्मण युवक को लात मार दी और रथ से नीचे गिरा दिया।
जब धक्के मारा उस ब्राह्मण को, लात मारी और उसको नीचे गिरा दिया, उसके सारे कपड़े धूल में मिल गए, उसके चोट भी लगी, तो उस कश्यप नाम के युवक को बड़ा दुख हुआ, बड़ी ग्लानि हुई और दुख होकर के उसने कहा कि मैं ऐसे जीवन से मेरा न जीना सही है और मुझे आत्महत्या करनी चाहिए। और वो आत्महत्या करने के लिए चल पड़ा कि मेरे को जीना ही नहीं है, ऐसा अपमान मेरा जीवन में हो गया, ऐसा दुर्व्यवहार मेरे साथ में हुआ, मुझे अब इस जीवन से कोई मतलब नहीं है, और वो आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। इतने में ही इंद्र ने देखा कि एक युवक, ब्राह्मण युवक जो स्नातक है, जो विद्वान है, लेकिन वो आत्महत्या करने जा रहा है। तो इंद्र ने उसे समझाने के लिए एक श्रृंगाल का वेश धारण करके आए, गीदड़ का वेश उन्होंने बनाया और उस ब्राह्मण युवक के सामने आकर खड़े हो गए। पूछा इंद्र ने, जो गीदड़ का रूप धारण किया हुआ था, उस गीदड़ ने पूछा उस कश्यप ब्राह्मण से कि हे युवक, तुम कहां जा रहे हो? तो वो कहता है कश्यप कि आप रास्ते से हट जाइए, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, मैं इस जीवन को समाप्त करने जा रहा हूं, मैं जीना नहीं चाहता। तो वो गीदड़ कहता है हे युवक, तुम जरा अपनी ओर देखो और एक बार मेरी ओर देखो। अरे तुम्हें इतना सुंदर शरीर भगवान ने दिया है, तुमको दो दो हाथ दिए हैं काम करने के लिए। अहो सिद्धार्थता तेसाम ये साम संति है पाणये। वो कहता है तुम सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारे पास दो हाथ हैं। अरे जिनके दो हाथ होते हैं, वो कहता है गीदड़ कि वो सौभाग्यशाली है मनुष्य जिसको भगवान ने दो हाथ दिए हैं। आप इन दोनों हाथों से कर्म कर सकते हो, आप इन दोनों हाथों से पुरुषार्थ करके अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हो। जरा मेरी ओर देखो, मेरे दो हाथ नहीं है तो मेरे शरीर पर मच्छर भी बैठ जाता है, मेरे शरीर को कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन मैं उनको हटा नहीं सकता, मैं अपने शरीर पर लगे हुए घावों को सहला नहीं सकता, मैं सर्दी गर्मी धूप से अपने आप को बचा नहीं सकता, क्योंकि मेरे दो हाथ नहीं हैं। तुम्हारे पास तो दो हाथ हैं, फिर तुम क्यों आत्महत्या करने जा रहे हो, फिर तुम क्यों ऐसा गलत कार्य कर रहे हो? इसलिए आत्महत्या करना पाप है, आत्महत्या मत कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, मेहनत कीजिए। अहो सिद्धार्थता तेषां ये साम संति है पाणये। जिनके पास दो हाथ होते हैं परिश्रम करने के लिए, वही इस दुनिया में सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है। किसी विद्वान ने कहा कि सौभाग्यशाली मनुष्य कौन, किसी ने पूछा कि सौभाग्यशाली इंसान कौन होता है, तो उन्होंने कहा जिसके पास आठ चीजें होती है वही दुनिया में सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है। वो कौन कौन सी आठ चीजें हैं, मैं बोलता जाऊंगा, आप याद कर लें, और ये सारी चीजें आपके पास में हैं तो समझ लीजिए कि आप भी दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। कहा सबसे पहली चीज है मनुष्य का शरीर। यदि हमारे पास सुंदर शरीर है, स्वस्थ शरीर है, तो हम दुनिया के सौभाग्यशाली मनुष्य हैं। दूसरा है बुद्धि। शरीर तो है हमारे पास, यदि बुद्धि कमजोर है तो हम सौभाग्यशाली नहीं है। हमारे पास अच्छी बुद्धि है तो हम दुनिया के सौभाग्यशाली मनुष्य हैं। ये दूसरी बात। तीसरी बात, हमारे पास में अच्छे माता पिता हमको मिले हैं, जिन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए, जिन्होंने हमारे पास हमारे लिए सारी व्यवस्था की। यदि हमको अच्छे माता पिता मिले हैं तो ये भी हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है। और क्या है, कहा यदि आपको शिक्षा अच्छी मिली है, अच्छे गुरु आपको मिले हैं, तो ये भी आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। शरीर मिल गया, बुद्धि भी अच्छी मिल गई, लेकिन यदि अच्छे गुरु नहीं मिले, अच्छे मार्गदर्शक आपको नहीं मिले, तो आपका जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। तो अच्छी शिक्षा मिलना, अच्छे गुरु का मिलना, ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। तो पहला सौभाग्य आप याद कीजिए, मैं इसको दो तीन बार रिपीट करूंगा। पहला सौभाग्य मनुष्य का शरीर, दूसरा सौभाग्य अच्छी बुद्धि, तीसरा सौभाग्य है अच्छे माता पिता, चौथा सौभाग्य है अच्छी शिक्षा, और पांचवा सौभाग्य है इस सब के साथ में यदि आपको रोजगार का अच्छा अवसर मिला हुआ है, आपको आपके पास आय का अच्छा साधन है, जहां आपको धन की आय होती है, अर्थ का अर्जन आपके पास होता है, यानी आपके पास भी रोजगार का अच्छा साधन है, चाहे वो व्यापार करते हो या कोई भी आप काम करते हो, तो कहते हैं आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि धन के अर्जन करते समय आपको निश्चिंतता रहती है कि मेरे पास पैसा कहां से आएगा। तो पहला सौभाग्य शरीर,
दूसरा सौभाग्य है अच्छी बुद्धि मिलना, तीसरा सौभाग्य है अच्छे माता पिता मिलना, चौथा सौभाग्य है अच्छे गुरु मिलना, अच्छी शिक्षा मिलना, और पांचवा सौभाग्य है रोजगार मिलना, और छठा सौभाग्य है अच्छा जीवन साथी मिलना। आपका जीवन में जो आपका जीवन साथी है, आपकी पत्नी है, यदि आपको अच्छी पत्नी मिली है तो वो आपका सौभाग्य है। और यदि महिलाएं ये वीडियो देख रही हैं, तो यदि आपको आपका आपका अच्छे पति मिले हैं तो आपका सौभाग्य है, ये भी सौभाग्य है जीवन का। क्योंकि जिनके साथ आपको अपना पूरा जीवन बिताना है, यदि वो अच्छे नहीं होंगे तो आपका जीवन पूरा नरक बन जाता है। तो छठा सौभाग्य है अच्छा जीवन साथी मिलना। सातवां सौभाग्य है अच्छा मन मिलना। मन, हमारे विचार, हमारा मन ये अच्छा होना चाहिए, ये सात्विक होना चाहिए, तभी जीवन में अच्छे विचार आते हैं, अच्छे सतोगुण हमारे अंदर रहता है, वो तो हमारे अंदर प्रसन्नता रहती है। इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा आपसे कि मन यदि अच्छा है तो उसका कितना लाभ हमें मिलता है। तो सातवां सौभाग्य है अच्छे विचार मिलना, अच्छा मन मिलना, और आठवां सौभाग्य है ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा होना, आस्तिकता होना। यदि हम आस्तिक हैं तो समझ लीजिए आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ये आठ सौभाग्य है मनुष्य के। मनुष्य का शरीर आपको मिला है, स्वस्थ शरीर है, सुंदर नाक कान अलग अलग हो सकते हैं, थोड़ा सा सुंदरता कम ज्यादा हो सकती है, गोरा रंग काला रंग हो सकता है, लेकिन सभी शरीर स्वस्थ है तो ये आपका सौभाग्य है। बुद्धि आपकी अच्छी है, आप अच्छा पढ़े लिखे हैं, आप अच्छी याददाश्त आपकी है, अच्छे विचार आपके जीवन में आते हैं तो ये आपका सौभाग्य है। अच्छे माता पिता आपको मिले हैं, अच्छी शिक्षा आपको मिली है, गुरु आपको मिले हैं, अच्छा रोजगार आपको मिला हुआ है, अच्छा मन आपका है, पवित्र मन के आप हैं, और आप यदि आस्तिक हैं तो ये आठ चीजें यदि आपके पास में है तो समझ लो आप हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। फिर हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमें परिश्रम करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो भगवान कृष्ण ने गीता में जो संदेश दिया है वो वेद का संदेश है, कुर्वन्ने विहे कर्माणि जीये विशे शतम् समा, जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र कहता है कि प्रत्येक मनुष्य को 100 वर्ष तक कर्म करना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में रिटायरमेंट का कोई प्रोसीजर नहीं है कि साहब आप 60 साल के हो गए तो आपको रिटायर कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ तो आश्रम व्यवस्था है, और आश्रम शब्द में श्रम जो जुड़ा हुआ, श्रम आश्रम यानी जिसमें श्रम ही श्रम होता है, मेहनत ही मेहनत होती है। 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम यानी 25 साल तक आपको क्या करना है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रम करना है। फिर 50 साल तक गृहस्थ आश्रम, उसमें आपको धन अर्जित करने के लिए श्रम करना होता है। फिर 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम, उसमें आपको सेवा करके ज्ञान का प्रचार प्रसार करके आपको श्रम करना होता है। और 100 वर्ष तक, 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम, वो भी आश्रम है, उस समय आपको मोक्ष की तैयारी के लिए श्रम करना पड़ता है। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनको पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया। पुरुषार्थ मेहनत करना, श्रम करना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यदि हम श्रम करते हैं तो चाहे कोई भी फील्ड हमारे सामने, कोई भी मार्ग हमारे पास में है, व्यक्ति उस मार्ग को आसानी से पार कर जाता है। और जो व्यक्ति श्रमशील नहीं होता, जो आलसी होते हैं, वो कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ते। इसलिए अथर्वेद का मंत्र कहता है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहित है गोजित भूयासम अश्वजित धनंजयो हिरण्यजित। क्या कहता है वेद का मंत्र, बड़ा उत्साह वर्धन कर देता है हमारा। कृतम में दक्षिणे हस्ते, तुम्हारे दाहिने हाथ में कर्म है और बाएं हाथ में सफलता है, इस हाथ से कर्म करो और इस हाथ से सफलता प्राप्त करो। और गोजित भूयासम अश्वजित, आप गायों के मालिक बने, आपके पास सैकड़ों गायें हो, आपके पास सैकड़ों घोड़े हो, आपके पास खूब सोना चांदी हो, आपके पास खूब धन संपत्ति हो, खूब जमीन जायदाद आपके पास में हो, खूब इनका अर्जन कीजिए, ये वेद का मंत्र कहता है। और क्या कहता है अथर्वेद, उतय क्रामत पुरुषो माओ मत्था मृत्यु सड़वी सम अवमुंच माने, हे मनुष्यो उठो उन्नति करो, पुरुषार्थ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, हमारा ये मनुष्य का शरीर उन्नति करने के लिए प्राप्त हुआ है, नीचे गिरने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है।
तो भगवान कृष्ण का जो संदेश है ये वेद का संदेश है, कर्मणि एव अधिकारः। हम कर्म करें, हम पुरुषार्थ करें, हम परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें जीवन में सफलता मिलेगी। तो सज्जनों, सफलता का केवल और केवल कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। जो लोग सफल हैं, जो किसी न किसी क्षेत्र में जो लोग सफल हो जाते हैं, आप उनसे पूछोगे कि भाई कोई शॉर्टकट रास्ता बता दो जिससे कि हम भी सफल हो जाएं, तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। केवल एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, और वो है परिश्रम, वो है मेहनत। हम जितना परिश्रम करेंगे, हम जितनी मेहनत करेंगे, उतनी ही सफलता हमें मिलती चली जाएगी। कर्मणि एव अधिकारः, हमें भगवान ने कर्म करने का अधिकार दिया है। हम अधिकारों की बात करते हैं ना कि हमें अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, तो ये दे दिया हमें अधिकार कर्म करने का। हम कर्म करेंगे, ये अधिकार हमको मिला है, तो निश्चित रूप से वो फल भी हमें प्राप्त होगा। कई लोग आज, अब क्योंकि समय हो चुका है, लेकिन मैं आज आपसे 2-3 मिनट का समय और लूंगा। एक बहुत सुंदर एक ग्रंथ हमारा ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, उसमें 3-4 श्लोक बड़े ही उत्साहवर्धन करने वाले श्लोक हैं, वो मुझे याद आ रहे हैं, तो मैं इसी प्रसंग में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। वो शास्त्र कहता है, नाना श्रांताय श्री रस्ति इति रोहित सुश्रुमय पापो नृषद वरौ जन इंद्र इच्छरत सका। कहते हैं नाना श्रांताय श्री रस्ति, जो व्यक्ति थक नहीं जाता है काम करके, जो थकता नहीं है, उसको कभी भी लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती, धन की प्राप्ति नहीं होती। और जो व्यक्ति कर्म नहीं करता है, पाप है, वो व्यक्ति पापी होता है। और क्या कहता है वो शास्त्र, इंद्र इच्छरत सखा, जो व्यक्ति परिश्रम करता है, मेहनत करता है, भगवान भी उसी की सहायता करता है। इंद्र इच्छरत सखा, परमात्मा उसका मित्र बनकर के उसकी सहायता करता है। और क्या कहता है ये शास्त्र, आस्ते भगे आसीने ऊर्ध्वम तिष्ठति तिष्ठते सेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगे, कि जो बैठ जाता है उसका भाग्य भी बैठ जाता है, जो खड़ा हो जाता है उसका भाग्य भी खड़ा हो जाता है, जो चल पड़ता है उसका भाग्य भी साथ साथ चल पड़ता है। इसलिए चलते रहो, परिश्रम करो, आगे बढ़ो, भाग्य तो आपका आराम से बन ही जाएगा। हमें भाग्य की परवाह नहीं करनी है, हम कर्म करेंगे तो कर्म करने से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। और क्या कहता है वो शास्त्र, कलि सयानो भवति संज्ञानस्तु द्वापर उत्तिष्ठ त्रेता भवति कृतम संपद्यते चरण, कि जब हम सोते हैं तो समझ लो कलयुग है, जब हम उठ जाते हैं, जाग जाते हैं, तो समझ लो द्वापर युग शुरू हो गया, जब हम खड़े हो जाते हैं तो समझ लो त्रेता युग शुरू हो गया, और जब हम काम करने लग जाते हैं तो समझ लो सतयुग आ गया। हमारे जीवन में सतयुग तब आएगा जब हम कर्म करने लग जाएंगे। कहता है शास्त्र, चरण वही मधु विंदती चरण चरण स्वादु मधुमरम सूर्यस्य पस्य श्रेमाणम यो न तंद्रेते चरण, कि जो चलता है उसको ही मधु मिलता है, उसको ही सफलताएं मिलती है, जो चलता है उसको ही हर प्रकार की उन्नति उसके मार्ग में आती है। कहता सूर्यस्य पस्य श्रेमाणम यो न तंद्रेते चरण, कि सूर्य को देखिए आप, सूर्य कभी भी रुकता नहीं है, वो अपना कार्य निरंतर करता रहता है, प्रकृति अपना कार्य निरंतर कर रही है। इसलिए साथियों, सज्जनों, हमें भी परिश्रमी बनना है, हमें भी कर्म करते रहना है। कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम कर्म करें और फल परमात्मा को सौंप दें कि हे परमात्मा, मैंने अपना काम कर दिया, अब फल देना तो आपके हाथ में है। और परमात्मा न्यायकारी है, जैसा हमने कर्म किया है उसका वो फल हमें जरूर से जरूर देता है। अरे वो तो दयालु है, वो तो इंतजार करता है कि तू कर्म कर और मैं तो तुझे फल देने के लिए ही बैठा हूँ। किसान यदि आप हैं तो यदि आप 1 किलो अनाज बोएंगे तो आपको भगवान कई 100 किलो अनाज देता है। परमात्मा तो देने वाला है, यदि हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए हम कर्म करें, पुरुषार्थ करें, हम मेहनती बने, हम पुरुषार्थी बन करके हम अपने जीवन का और इस देश और समाज का हमको हम आगे बढ़ाएं, यही गीता का संदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि,
तो ये मैंने आज आपके सामने गीता के दूसरे अध्याय का 47वां जो श्लोक है, जो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है और आप सबको ये श्लोक याद भी है। मैं समझता हूँ हम श्लोक ही याद न करें बल्कि श्लोक की जो शिक्षा है इसको हम अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी विकास होगा, हमारे जीवन में भी प्रकाश होगा। इन्हीं शब्दों के साथ समय की अपनी मर्यादा को ध्यान में रखता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब गीता के इस संदेश को अपने जीवन में धारण करें और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने परिचितों अपने मित्रों तक इस वीडियो को आप पहुंचाएं जिससे कि उनको भी गीता का ये जो संदेश है उन तक भी पहुंच सके और उनको भी लाभ मिले। आप सब इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, प्रतिदिन जुड़ते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। आप सबका पुनः धन्यवाद करता हुआ आज के इस कार्यक्रम का हम यहाँ समापन करते हैं। ओम शांति 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 ओम।